Assalamu alaikum everyone, this is me Farina Mughal and you're watching my YouTube channel. And welcome back to another video. कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे. तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पता है क्यों? अभी बताती हूँ. लेकिन सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो. वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो. यार मैं इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हूँ, अभी बताती हूँ. तबीयत मेरी सही नहीं है, फ्लू से दिमाग का बहुत बुरा हाल हो रहा है और इतनी छींके मारी है मैंने, अभी इतनी छींके मारी है, अराउंड मैंने 10-15 छींके मारी है मैंने. और रात हो चुकी है और आपको पता है कि कराची में ना आजकल रात में ठंड बहुत बढ़ जाती है और सुबह भी ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पूरे दिन जो है वो सनी अंकल जो है बड़े मज़े से चमक रहे होते हैं और धूप बहुत तेज़ होती है. तो दोपहर में और शाम तक गर्मी का पता नहीं चलता, लेकिन जब भी शाम होने वाली होती है, अंधेरा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी फील होने लग जाती है. तो भाई मुझे हो गया है फ्लू और अभी अभी तो है, बहुत ज़्यादा छींके मार के बैठी हूँ. और आज का व्लॉग इससे इंटरेस्टिंग होने लगा है क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ मुंतहा के साथ एक प्रैंक. हाँ, ये मेरे चैनल का फर्स्ट प्रैंक है और इससे पहले मेरे चैनल पर कोई प्रैंक नहीं हुआ है. जो भी व्लॉग्स देखे हैं आपने वो ऐसी रैंडम व्लॉग्स देखे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, कभी हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज का व्लॉग ये मेरा पहला प्रैंक व्लॉग है. तो मुंतहा के साथ जो है वो प्रैंक ही करने वाली हूँ कि मैं उसको बोलूँगी कि हमने तुम्हें कचरे से उठाया और ये बात तुम्हें मम्मा ने नहीं बताई, ठीक है. और अपने साथ इस प्रैंक में मैं शामिल करूंगी घर में से किसी को, और घर में वैसे कोई अभी मौजूद नहीं है, सिर्फ वर्दा मौजूद है. तो और मम्मी है, मम्मी नमाज पढ़ रही हैं. तो मैं वर्दा से पूछती हूँ कि वर्दा क्या इस प्रैंक में मेरा साथ देगी या नहीं देगी. लेट्स गो. तो भाई मैं बाहर जा रही हूँ और वैसे ही ऑलरेडी मैं बाहर आ चुकी हूँ. अभी सिला बतूल को भी बुखार हो रहा है, तबीयत नहीं सही है, आज उसका पेपर था तो आज ये नहीं गई है स्कूल के लिए. और यहाँ पर सिला बतूल भी लेटी हुई और हमारा मिल्कू भी लेटा हुआ है. वर्दा कहाँ है? वर्दा कहाँ हूँ? वर्दा कहाँ है? वर्दा तनी कहाँ बैठी हुई है? हाँ वर्दा, ये बात सुनो, मेरा एक प्रैंक करना है मुंतहा के साथ. मुंतहा को हम बोलेंगे कि हमने तो ना कचरे से उठाया था और मम्मा ने बात में तुम्हें बताई नहीं. क्या बोलती है? हाँ साथ दोगी? कहाँ बैठी हुई है? अच्छा अगर ये मतलब प्रैंक जो है ना, थोड़ा सा यूँ करना है कि बिल्कुल इसको रियल लगे, क्योंकि एक दो मरतबा ना मैंने इसको कचरे वाली 2-3 दफा बोला है तो मुझे पूछती है बच्चों मुझे कचरे वाली क्यों बोलती है, दोनों उसको पता नहीं है. और थोड़ा सा प्रैंक करना है, मतलब अगर वो रो जाए बोल जाए तो संभाल लेंगे, ठीक है. डन. तो एक काम करो, तुम लो माइक या मैं शूट करती हूँ, तुम जाके बात करो. क्या करते हो? नहीं ना, आप बोलो, तुम फिर शूट करो. हाँ. माइक मेरे पास है, ठीक है. बल्कि मैं तुम शूट करो और ना उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब प्रैंक कर रहे हैं, ठीक है. डन. ओके चल कैमरा पकड़ो. तो गाइस मुंतहा ना यहाँ पे बैठी हुई है अंधेरे में ड्राइंग रूम के अंदर, तो वो पहले देखती हूँ कर क्या रही है. आके जरा मैंने लाइट मंग ली है कमरे की, पहले चेक कर लूँ क्या कर रही. मुंतहा क्या कर रही हो? किसकी? अच्छा मुझे ना तुम्हें एक बात बतानी है, एक बात जरूरी बात बतानी है. उठ के तो बैठो, वाकई आप लोग हंस रहे हैं. तुम्हें एक बात बतानी है सच्ची वाली. तुम्हें याद है मैं काफी दिन से तुम्हें कचरे वाली बोल रही थी, हैं? याद है तुमने पूछा था ना क्यों बोल रही हूँ? क्या हो गया सबको? मम्मा ने मुझे बोला था इसको ये वाली बात ना कभी नहीं बताना, लेकिन मैं तुम्हें आज फिर बता रही हूँ. रोना होना मत देखो. हाँ मम्मी और ये बात सच है, ये बात छुपाएंगे हम तुमसे, इतने दिन तो पता चल जाना है. क्यों हंस क्यों रही है? एक सीरियस बात बता रही है, उसमें हंसने वाली कौन सी बात है? नहीं रहे कचरे में से उठा के लाए ना, हमें थोड़ी मिलती है. तुम सब लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं तुम हमें नहीं मिलती हो. अब मैं ये सीरियस अरे सीरियस सीरियस बात कर रही हूँ मैं, तुम मिलती हो हमें नहीं मिलती ना, सब यही बोलते इसमें. अरे मैं लोग पता नहीं क्यों रो रही है, तो मैं खुद पूछ रही थी मुझे आप कचरे वाली क्यों बोलती है, आप बता रही हो तो रो रही है. इसमें रोने वाले तो कोई बात ही नहीं है. तुमने खुद ही पूछा था तुमने कचरे वाली क्यों बोलती हो. भाई देखो सुनो, हमने तुम्हें कचरे से उठाया था, अब बासी शहीद के पास जो कचरे का बड़ा डब्बा रखा है ना उसमें से निकाला था, तभी तुम मम्मी नहीं मिलती. चाहो तो मम्मा से पूछ लो, रजा आएगा उससे पूछ लेना. पता सही बात है.
सही बात है ना, ना। सही बात है। अभी मम्मा भी नमाज पढ़ रही है, मम्मा नमाज पढ़ ले, मुझे मम्मा से पूछ लेना, रोने वाली बात ही नहीं है। बना रही है ना। तो ब्लॉग बना रही हूँ तो क्या मतलब है, झूठ बोल रही हूँ? ब्लॉग बनाएंगे तो झूठ बोलूंगी? अभी हमने जितने ब्लॉग बनाए वो सारे झूठ है क्या? हम जो ब्लॉग बनाते हैं वरदा वो झूठ होते हैं, नहीं, सब सच होता सच होते हैं ना? हम कोई स्क्रिप्टेड तो नहीं बनाते हैं ना भाई? आप लोग भी कमेंट करके बताइए, हम लोगों में नहीं मिलती है ना, तो हमने से कचरे वैसे उठाया। आप सच्चाई बता रही हो, अब माशाल्लाह से बड़ी हो गई है, 13 साल की हो गई है, 14 साल की होने वाली है, तो अब बताना तो पड़ेगा ना। अब बड़ी एज में जाके पता चले तो बोलेगी कि मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने, इसलिए मैंने सोचा अभी इस एज में बता दें, फिर कल को मैट्रिक होगा तो इसे पता चलेगा कि हाँ झूठ झूठ, वरना हम झूठ बोल रहे हैं नहीं, क्या? झूठ नहीं बोल रहे, तो सच बता रहे सच हैं। बता रहे हैं। किसी से ही पूछ लेना घर में, अनम से, बुशरा से, मम्मा से, रजा से, किसी से ही पूछ लो, सब ये बोलेंगे आप बासी शहद पे जो कचरे का बड़ा डब्बा रखा है ना, वहां से उठाया था, वहां भी कौन है ना डब्बा उधर, वो सी डब्बा है? क्यों हाँ उसका जो हॉस्पिटल का कचरा है वो कहाँ सब डिस्पोज करते हैं, वही तो करते हैं। मम्मा से पूछना हमें नमाज पढ़ ले दो। गाइस मम्मा नमाज पढ़नी है, फिर मम्मा जब सलाम फेरेंगी ना तो हम इस बार की तस्दीक करा देंगे, वो भी बोलेंगे हमने इसे कचरे से उठाया था और ये वाकई हमें नहीं मिलती। बोलोगी अब तुम कुछ? बोलो। मम्मा नमाज पढ़नी है ना, अभी मम्मा से पूछ लेना, देखो बताओ। मम्मा हमने से कचरे से उठाया था ना, मम्मा ओ हंसी रही है वो अभी। अरे भाई बहुत देर से रो रही है, प्रैंक कर रहे हैं हम, प्रैंक कर रहे हैं, बताओ प्रैंक में नहीं करने देती? अरे भाई प्रैंक कर रहे हैं, प्रैंक। लोगों को शर्म नहीं आ रही, बच्ची को सर जला रहे हो, चढ़ा रहे हो, हैं? ये मम्मा प्रैंक कर रहे हैं हम, कैसे प्रैंक होते हैं सर? प्रैंक ऐसे ही होते हैं, और क्या करते हैं, मम्मी की डांट पड़वा दी, हम प्रैंक भी नहीं करे। हम इतने दिन से हम डिसाइड कर रहे थे कि हम वरदा के साथ ये प्रैंक करेंगे, तो आज मैंने और वरदा ने मिलकर इसके साथ प्रैंक कर दिया, बताओ कितनी बड़ी तरीके से हो रही है। अरे भाई हमारी बहुत प्यारी बहन है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, ये हम में ही मिलती है, कोई हमने कचरे के डब्बे से नहीं उठाया इसको, और आप लोग भी ऐसा नहीं सोचा हम प्रैंक कर रहे थे और कुछ नहीं है, आप लोग को पता है कि हम प्रैंक कर रहे थे, वरदा हम प्रैंक कर रहे थे ना हाँ भाई, हम प्रैंक कर रहे थे। अच्छा चलो चुप करो, चुप करो, चुप करो, लो भाई प्रैंक तो बढ़ गया तो सिर्फ हमारा। चुप करवाने के लिए हम बोल रहे। भाई सॉरी प्रैंक बढ़ गया, अब एक काम करते हैं भाई, प्रैंक कर रहे हैं भाई, हम लोग प्रैंक कर रहे हैं भाई। हाँ तो हम बताओ, मम्मी डांटने लग गए, हम लोग फजूल की ऐसे डांट पड़ उल्टे गए सीधे प्रैंक करते हैं क्या? भाई, ऐसे ही प्रैंक करते हैं आप लोग, बताओ ऐसे ही प्रैंक करते हैं ना, हाँ ऐसे ही करते हैं ना प्रैंक। अच्छा भाई सॉरी कर लिया कैमरे के सामने, भाई ये लोग माफ कर दो, कैमरे के सामने सॉरी कर लिया, हम लोग प्रैंक कर रहे थे, प्रैंक कर रहे थे। होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये छोटा सा प्रैंक था, मुन्ता सीरियसली रो पड़ी, तो रोई जा रही है, रोई जा रही है। मुन्ता सीरियस ही रोके। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करो और कमेंट जरूर करना आपको ये प्रैंक कैसा लगा, और मुन्ता के जितने भी फ्रेंड्स देख रहे हैं ना वो लाजमी कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी। दो में याद रखना, अल्लाह हाफिज।